नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कार्डुअस मैरियनस के बारे में पढ़ेंगे कि डॉक्टर केंट ने अपने मिठरे अमेरिका और लेक्चर में कार्डुअस मार या कार्डुअस मैरियनस के बारे में क्या बातें बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको टोटल का टोटल केंट मिठरे अमेरिका जो है अवेलेबल है, और कुछ अगर बचा हुआ है तो वो अवेलेबल हो जाएगा, और वो भी अलग अलग चैप्टर्स के साथ। उसी के साथ साथियों एक और रिक्वेस्ट भी कि अगर कोई आपके साथी हैं जो होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं तो उनके साथ ये वीडियो और ये चैनल शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये चैनल हमारा और जो हमारा मेहनत है होम्योपैथी की तरफ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक कार्डुअस मार। तो डॉक्टर केंट अपने मिठरे अमेरिका में कार्डुअस मैरियनस यानी कि कार्डुअस के बारे में कहते हैं कि यकृत की दवाओं में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दवा है, यदि एक होम्योपैथिक चिकित्सक इस कथन के लिए क्षमा किया जा सके। मतलब सोचने वाली बात है कि किस स्तर पर चल रहा है व्यवस्था जिसके लिए इनको ये बात बोलना पड़ रहा है डॉक्टर केंट को। इसमें बहुत तरह के दर्द होते हैं, दबाव की तरह दर्द, खींचन की तरह, टानने की तरह, मतलब कुछ खींच रहा हो उस तरह का, जलन की तरह जो हिलने डुलने पर बदतर हो जाता है। रोगी को सर्दी सहन नहीं होती तथा बंधे या अनियमित समय का अंतर देकर पित्त वमन हुआ करता है। लेखक ने बहुत से वमन के साथ होने वाले सिरदर्द के रोगी इस दवा से आरोग्य किए हैं। लेखक कह रहे हैं, जिनका अंतर पित्त का वमन होकर होता था तथा जिन रोगियों को कैलोमेल लेने का अभ्यास पड़ा हुआ था, जिस जैसे सैंगुनेरिया कैन में भी आपको यह सिम्टम देखने को मिलता है, यकृत रोग के साथ सोथज रजस्राव यानी कि कहे कि लीवर का प्रॉब्लम रहेगा उसके साथ साथ सोथज स्वेलिंग के साथ रजस्राव लक्षण मिलने पर रक्तस्राव और कामला रोग को यह आरोग्य करता है। लक्षण मिलने पर उदासी, चिड़चिड़ापन और रोना, रक्त संचयी सिर दर्द, दबाव की तरह सामयिक रूप से दर्द उत्पन्न होता है, माथे में भारीपन और भार, ठंडी हवा माथे की त्वचा में सहन नहीं होती, आंख के गोले का बाहर की ओर निकल पड़ना, चक्षु श्वेत पटल पीला, पलकों के किनारे में एवं नाक के भीतरी भाग में जलन, नाक से रक्तस्राव, स्वाद तीता, नीरस या स्वाद ही नहीं रहता, भूरी जीभ, जीभ जो है टंग ब्राउनिश, खाने की इच्छा ही नहीं होती कुछ भी खाने का, ये मिचली और श्लेष्मा की कै, मतलब सिर्फ म्यूकस और मिचली रहता है, उल्टी में म्यूकस निकलता है, इसके बाद पित्त की मतलब फिर बाइल वगैरह निकलता है उल्टी में, लेकिन और कुछ नहीं, दर्द भरी उबकाई और इसके बाद खट्टे तरल का वमन, प्रकाशय में बाईं ओर से दाहिनी ओर खींचन का दर्द, मतलब ऐसा जैसे कि बाएं तरफ से दाहिनी तरफ कोई खींच रहा है, प्रकाशय में जलन, बहुत काले रक्त की कै होती है। यकृत के लक्षण और सभी लक्षणों में से बहुत आवश्यक हैं अर्निका, मैग्नीशिया म्यूर, नेट्रम सल्फ और ट्रिलियम की तरह दाहिने कुक्षी देश में बाई करवट लेटे रहने पर खींचन की तरह दर्द, दबाने, खींचने, सुई गरने की तरह यकृत के दाहिने खंड में दर्द। इस दवा से स्वस्थ पित्त निकलने लगता है, मतलब इस दवा के सेवन से उपयोग से बाइल जो है आपका प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाता है, इसलिए पित्त पथरी होने वाली अवस्था को यह आरोग्य कर देता है। गॉल ब्लाडर स्टोन जो आप सुनते हैं तो गॉल ब्लाडर स्टोन के लिए यह दवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने अनेक बार पित्त पथरी होने की प्रवणता ही दूर कर दी है, मतलब बहुतों बार इसने पित्त पथरी एक बार ठीक किया और उसका फिर हुआ भी नहीं। यकृत में रक्त संचय और अर्श, यंत्रणापूर्ण, कुचलने की तरह करा यकृत, कभी कभी बाएं खंड पर अक्सर दाहिने खंड में ही तकलीफ रहे, मैंने कभी कभार बाएं तरफ लेकिन ज्यादातर दाहिने तरफ ही ज्यादातर जो है तकलीफ रहती है। जब फेफड़े और यकृत के लक्षणों का रोग सम्मिलित रहता है और थूक में खून आता है, यानी फेफड़े और यकृत का लक्षण जब रोग सम्मिलित रहता है और थूक में खून आता है उस समय कभी कभार, मतलब ऐसे कहें कि कभी कभार बाएं साइड और ज्यादातर जो है दाहिने साइड तकलीफ रहता है। तलपेट में खींचन, सुई गरने और जलन की तरह दर्द, तलपेट में तनाव, काटने की तरह दर्द, उसके बाद स्टूल बता रहे हैं, पखाना काला होता है, मल करा, गांठ गांठ मिट्टी की तरह, पित्त रहित, मल नली और मलद्वार में जलन रहती है, खुजलाने वाली बवासीर, अदम्य कब्जियत, मतलब भयंकर कब्जियत रहता है। उसके बाद यूरिनल सिम्टम्स बता रहे हैं, मूत्र नली में जलन,
बहुत ज्यादा और गहरे रंग का पेशाब, उसमें बहुत ज्यादा तली जमती है, गंदला पेशाब, पेशाब रुक जाना, बहुत ज्यादा ऋतुस्राव, ऋतुस्राव रुका हुआ, यकृत में रक्त संचय के कारण जरायु से रक्तस्राव, योनि में खींचन, श्वेत प्रदर, यकृत रोग के कारण खांसी, जब दाहिने फेफड़े के निचले अंश पर रोग का आक्रमण हो जाता है, साथ ही यकृत का पुराना रक्त संचय, यकृत में दर्द के साथ वक्ष में दर्द, डंक मारने की तरह का, खींचन की तरह दर्द, हिलने डुलने पर बढ़ जाता है। यकृत में दाहिनी स्कंधास्थि के नीचे पीठ में दर्द, दाहिनी स्कंधास्थि के नीचे पीठ में दर्द, बहुत बहुत चेलिडोनियम और एस्क्यूलस की तरह पीठ में खींचन का दर्द, मेरुदंड बहुत स्पर्श असहिष्णु रहता है, मरोड़, खींचन, दबाव, प्रत्यंगों में वातज दर्द, दाहिनी त्रिकोणाकार पेशी में बहुत तेज दर्द, उरु संधि में दर्द, उठने, सामने की ओर झुकने और हिलने डुलने पर बढ़ जाता है। निम्न प्रत्यंगों में स्नायु शूल का दर्द, हिलने डुलने पर बदतर हो जाता है। स्नायु शूल का दर्द समझ रहे हैं, पैर का शोथ, शिरास्फीति, जख्म, पेशियों में झटका और वात, पैर की पोटली और तलवे में मरोड़, चलना एकदम असंभव हो जाता है। पकासे संबंधी और पित्तज ज्वर, मतलब पकासे संबंधी और पित्तज ज्वर, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और इश्यूज की वजह से फीवर आना। और ऐसे अगर हम देखें कार्डुवस मरियनस के बारे में, हालांकि डॉक्टर केट ने इतनी बातें बतलाई हैं, लेकिन एक कुछ बात मैं ऐड कर दूं कि जैसा कि इन्होंने बताया गॉल ब्लैडर स्टोन में, तो गॉल ब्लैडर स्टोन में एक कंडीशन होता है जिसमें कि बाइल में, बाइल डक्ट में जो है कचरा या फिर स्टोन हो तो वो आकर के जमा हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो बाइल, जो गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस कर रहा है, अब उसको डक्ट के थ्रू ही जाना है स्टमक में, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। अब उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से, अब जिस वजह से कहें कि शरीर में पीलापन, जॉन्डिस हो जाना, ये सारी चीजें दिखने लगती हैं, और फिर आंखों का पीलापन और डिस्कम्फर्ट, उबकाई, मिचली, उल्टी, ये सारा मतलब लगेगा जैसे कि कार्डोवस मैरियनस का ही पूरा का पूरा केस है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए सबसे बेहतरीन दवाई अगर कहा जाए तो कार्डोवस मैरियनस बहुत लाजवाब दवा है। तो इसी के साथ साथियों, ये वीडियो होता है समाप्त, और साथियों आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें जो होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं। उसी के साथ कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट करें, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर मुझसे बात करनी हो तो मेंबरशिप ज्वाइन करें, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले जो वीडियोस के नोटिफिकेशन वो आपको मिल सके, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं, इसके बाद कंटिन्यूअस आगे के आगे आगे के आगे अल्फाबेटिकली जो है मेडिसिन आते जाएंगे, और 1-2 महीने में पूरा का पूरा केंट मेटेरिया मेडिका इस पर अवेलेबल होगा, फिर आर्गेनन आ जाएगा, फिर रिपर्टरी आ जाएगा, और ये तीन सब्जेक्ट मुख्य रूप से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कवर कर सकूँ। तो इस जर्नी में आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इसी के साथ साथियों वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।